अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है, परख करता है, इम्तिहान लेता है, तरह तरह की नेमतों से उसे माला माल करता है। कारोबार वसी हो जाता है, उसके लिए दौलत के अंबार लग जाते हैं, दुनियावी मालो असबाब उसके लिए जमा हो जाता है, मनसब मिलता है, उहदा मिलता है, इकतदार मिलता है, शान व शौकत मिलती है, लोगों के दिलों में उसका घर बनता है, तो उसके जहन में ये बात आती है कि मेरे रब ने मुझे जो इज्जत दी है मैं इसका इस्तेहकाक रखता था, और मैं अगर इस लायक ना होता तो मुझे क्यों नवाजा जाता, तो गोया मेरा रब मेरे ऊपर राजी है। और फिर जब महफिल नात में मेहमान खसूसी भी बन गए तो फिर तो उनके नफ्स को और तस्कीन मिल गई, जब पीर साहब ने भी उनको ही अहमियत दी तो फिर उन्हें लगा कि वाकया ही हमारा रब हम पे राजी ही है, तभी तो हमें मजहबी तबकों के अंदर भी अहमियत मिल रही है। हालांकि वो जानते हैं कि हमने ये दौलत कैसे हासिल की है, वो जानते हैं कि हमें सजदे की तौफीक नसीब नहीं है, वो जानते हैं कि आज इस महफिल में मेहमान खुसूसी से तो कल हम शराब खाने में थे, उन्हें पता है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती, सोचते नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि हमें ये जो इज्जत मिल रही है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी किसी कबूलियत की वजह से ये इज्जत है, हालांकि ये उनकी आजमाइश थी, उनका इम्तिहान था। दूसरी बात, वह अम्मा इज़ा मब्तला हो, और जब अल्लाह उसको आजमाता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और उसके रिज़्क़ को तंग करता है, उसको आजमाइश की भट्टी में डालता है, फ़यकूलु रब्बी अहानन, तो फिर वो चीख उठता है, मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रख दिया। बीमारी आ जाए, इब्तिला में मुब्तला हो, तो वो कहता है कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया, तो ये इंसान की कज फिक्री, ऐसा नहीं है। किसी शख्स को दौलत का दिया जाना ये अल्लाह की रजा की दलील नहीं है, और किसी शख्स को गुरबत के इम्तिहान में डाला जाना ये अल्लाह की नाराजगी की दलील नहीं है। हजरत इमाम राजी ने लिखा है कि मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से हुई, तकलीफों में, आजमाइशों में, इम्तिहानों में, इब्तलाओं में उसके बंदे रहे हैं। मेरे और आपके आका और मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत के घर में कभी बराबर चूल्हा नहीं जलता था, कभी खाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं होता था, पानी पी के और खजूर खा के गुजारा होता था, तो ये तो कोई दलील नहीं है। अल्लाह की रजा की दलील क्या है? नेकी की तौफीक मिल जाना। और अल्लाह की नाराजगी की दलील क्या है? किसी शख्स का गुनाह पे दलेर हो जाना। कोई बंदा गुनाह पे दलेर है और मासियत, नाफरमानियां, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना उसका मिजाज है, तो समझो अल्लाह उससे नाराज है। और अगर किसी को अल्लाह ने सजदे की तौफीक दी है, किसी को अल्लाह में अपने रास्ते में खुलूस के साथ खर्च करने की तौफीकात अता की है, हलाल हराम की तमीज उसको अता कर दी गई है, तो फिर समझ लो कि अल्लाह उस पर राजी है। बाकी रही बात के किसी को दौलत का ज्यादा दिया जाना, किसी को कम दिया जाना, तो ये आजमाइश है। अब जो अहले ईमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो क्या करते हैं? जब दौलत ज्यादा मिलती है, इक्तदार मिलता है, मनसब मिलता है, तो बस अल्लाह के शुक्र के दायरे में आ जाते हैं, और जब मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, अजियतों में मुबतला होते हैं, तो फिर वो ये नहीं कहते हमारे रब ने हमें जलील कर दिया, बल्कि वो उस पर सब्र करते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं कि मालिक तूने जो जिस आजमाइश में हमें डाला, हमें पूरा उतरने की तौफीक नसीब फरमा, हमारी सफेद पोशी का भरम ना टूटे, और हमें उस मुश्किल वक्त से बचाना कि जब हमारी ये गुरबत हमें कुफर तक ले जाए, और जब उनको दौलतमंदी दी जाती है तो वो डरते हैं कि अल्लाह ऐसा ना हो कि ये दौलत हमें फिरौन बना दे, ये दौलत हमें नमरूद बना दे, हमारे अंदर बुख़ल पैदा हो, तकब्बुर पैदा हो, हमारे अंदर गुरूर पैदा हो, तो वो इस हालत के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र या दूसरी हालत में अल्लाह के हुजूर सब्र की तौफीक मांगते हैं और सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं।